महाराजा के शासनकाल के दौरान कोल्हापुर में बेहद विकसित शिकारी के लिए एक प्रभावी तकनीक चीता शिकार है। चीता शिकार या चीता शिकार का नाम यह है कि यह चित्ता का शिकार नहीं है, लेकिन यह चित्त के लिए एक शिकार का खेल है। शाहू महाराज एक मास्टर शिकारी दा चीता शिकार शिकारी शिकारी को सुंदा शिकार खुद महाराज ने विकसित किया था। तू आप तेंदुआ शिकार के बारे में जानते हैं। आंदोलन की गति असामान्य है और वहाँ एक वैज्ञानिक भी है। यह इतना तेज हो सकता है कि यूज ध्यान नहीं दिया जा सकता। यदि हरपाली के रूप में बहुत तेज जानवर यदि वह पूरी ताकत ऐसे ही भागना शुरू हो जाता है तो चित्ता को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं है। महाराज शिकार किसानों के लिए किसानों की चाल का इस्तेमाल करते था। महाराज के पास शायद अफ्रीकी चिटस था। इससे पहले चित्र शिकार के लिए बैलगाड़ी काट ऐसे ही लिया गया था, लेकिन यह विधि सुविधाजनक नहीं थी, इसलिए महाराज ने विशेष जीवन के लिए ब्रेक नामक चार घोड़े के वाहनों का विकास किया। विशेष रूप ऐसे ही इन ब्रेक का इस्तेमाल गाड़ियों को बरकरार रखने के लिए किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो थोड़े समय में इसे वापस जोड़ा जा सकता है। बैलगाड़ी में केवल एक तेंदुए दो चित्ता और तीन ऐसे ही चार पंक्तियों को समायोजित कर सकता था। सवारी या ब्रेक की गति इन ब्रेक ट्रेन तेजी ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। शाहू महाराज खुद ब्रेक तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते था। चित्तों के छात्रों को पकड़ने के लिए एक साल का समय लगेगा, क्योंकि उन्हें किसी विशेष तरीके ऐसे ही प्रशिक्षित और प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह जिन लोगों ने दिमाग को प्रशिक्षित किया और संभाला उन्हें चित्तवान कहा जाता था। वे चित्तेवा चित्तेरों को सख्त प्रशिक्षण देते था। चित्रा को केवल खरगोश झुंड कलभंग की मदद ऐसे ही शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसके बावजूद केवल कलितल एक शिकार था। चिता इसके लिए शिकार कर रही थी और कोई महिला शिकार नहीं हुई थी। यदि शिकार ने गलती ऐसे ही एक महिला को छुपा दिया है तो यूस भूखमरी के लिए दंडित किया गया है, लेकिन शिवाजी के प्रकार बढ़ रही कैद क्योंकि शाहू चित्ते सित्ते खन्यत जब जब यह सित्यपुते महिला मृग की शक्ति ऐसे ही उसके द्वारा प्रशिक्षित किया गया वह दुनकुन ही देख रहा था विफल रहता है तू कई पाई। इससे पहले कोल्हापुर के झुंडों की झुंड बड़ी संख्या में देखा गया था। झुंड किसानों की ऊर्ध्वाधर फसल को नष्ट कर देना चाहिए, इसलिए समय समय पर ओलों की संख्या को बच आने की जरूरत है और राज्य के किसानों की संख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। तेंदुए का शिकार केवल ब्लैकविटा शिकार के लिए किया गया था। यह तथ्य की बात है कि एक मृग में एक मृग को पकड़ने की कोशिश कर उसके पीछे दौड़ना उनके लिए एक चुनौती है। यह एक पुरुष है जो हिरण के झुंड में हिरण की देखभाल करने के लिए विशेष रूप ऐसे ही पहचानता है। यह विशेष रूप ऐसे ही महिला की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित है। कल्पना कीजिए कि वे क्या प्रशिक्षक है, क्या एक उन्नत तकनीक और उस मन की बुद्धि क्या होगी। हम एक शिकार खेल क्या है पर ध्यान देंगे। चिटिला को एक ब्रेक में बैठकर शिकार स्थान पर ले जाया गया। इस समय चित्त की आंखों पर चमड़े का चमड़ा था। हिरण झुंड उन्हें सित्यल चीता चेतावनी ऐसे ही टूट कवर किया गया है। जब दिशा सर हिरण झुंड झेपुन की आंख है कि अगले कुछ में घायल हुए है सनंकत कलवितल स्वूप ऐसे ही दूर में वाल्व फिर चैतवान वहां चले गए और चित की आंखों पर झुका और चमड़े के वाल्व को बांध दिया और शिकार में यूस और ब्राहर लाया और उसके मांस कलवित से सित्य ने शिकार देने के लिए ताकि अगली बार इसे और अधिक समय लग सकता है शिकार करने के लिए। शिकार के लिए शाहू महाराज ने इस तरह की कीड़े ज्यादा रखे था। चीता चेतन का एक बहुत पसंदीदा प्राणी है। जब महाराज बांग्ला के पुत्र था तो महाराज के पसंदीदा दो मंत्रों के साथ महाराज के बगल में खुले था। दूसरी बार महाराज हमेशा एक शेफ था। कोल्हापुर राज्य ऐसे ही बाहर जा रहे हैं जबकि एक के साथ महाराज के साथ दो चित्तस ले जाना चाहिए।
महाराज ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि जब वह महाराज के साथ था, टू चिट मुक्त थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तेंदुए या बाघ द्वारा कोई भी तेंदुए या बाघ ने किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं किया। चीता, तेंदुआ, शेर, एक बिल्लियों की तरह एक राजा के साथ रहते हुए, हालांकि वे महाराज के साथ है, वे केवल महाराज के लिए है। दूसरों के लिए बाघ महाराज ने अपने किसी भी प्राणियों को अपने स्व को खोने की इजाजत नहीं दी थी। हर तेंदुआ, बाघ, तेंदुआ, एक हाथी को अपने शरीर, दोहन और आतंक ऐसा ही डरता था। बाट में राजाराम महाराज ने 24 चिटों का पालन किया था। राजाराम महाराज ने अपने पिता की तरह राशि चक्र की विरासत को संरक्षित रखा था। राजाराम महाराज के बाद चित शिकार पद्धति को कोल्हापुर राज्य में नष्ट कर दिया गया था। हाल के दिनों में शाहजी महाराज ने बाघ और बाघों को रखा था। महाराज ए का निपुण शिकारी था और मूल रूप ऐसा ही एक शिकारी संग्रहक था। शाहजी महाराज ने भी राजाराम महाराज के साथ कई तेंदुओं में भाग लिया, लेकिन तब भारत में तेंदुआ शिकार अनुग्रह सिकर ही कल्पना और रोमांचक यादों की अब कर रहे हैं कि विलुप्त और विलुप्त सरकार बन गई। केवल यही है कि गौरवशाली ने अब चला गया, तस्वीरों के रूप में अपने पैरों के निशान छोड़ रहा है। नुम्बेर सिकरकत महाराजा के शासनकाल के दौरान